हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सफ़ेद मटर की चाट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि चाट बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमने लगभग 250 ग्राम उबली हुई सफ़ेद मटर ली है। यहाँ पर एक बात आप विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम चाट बना रहे हैं, तो उसके लिए ये जो हम मटर उबालेंगे थोड़ी सी ज़्यादा उबालेंगे ताकि मटर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा गल जाए। इससे क्या होगा, चाट हमारी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एक कटा हुआ प्याज, आधी कटोरी दही, एक कटा हुआ हरा मिर्च, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला, काला नमक एक चौथाई चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर एक चौथाई चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चम्मच, नमक स्वादानुसार। चाट की सभी सामग्री हमने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं कि हमें जलजीरा बनाने में क्या क्या चाहिए। तो चलिए हम एक गिलास जलजीरा बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर एक चौथाई चम्मच, पुदीना एक चौथाई चम्मच, आमचूर पाउडर एक चौथाई चम्मच, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चम्मच, आधा नींबू, ये हमारा काला नमक, लौंग और इलायची तीनों का पाउडर बना के हमने तैयार कर लिया है। ये हमारा लगभग एक चौथाई चम्मच है। तो चलिए सबसे पहले हम जलजीरा पानी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लगभग एक गिलास पानी लिया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे काला नमक, लौंग और इलायची का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीना, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे और वो है जलजीरा मसाला, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। नमक स्वादानुसार और नींबू को हम इसमें निचोड़ देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। जलजीरा पानी हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे अब लिया है मटर और इसमें जलजीरा पानी डालेंगे। इसमें हमने लगभग आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है और बाकी का आधा गिलास पानी हम बाद में डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मिलाएंगे चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक स्वादानुसार। अब हम इसमें आधी कटी हुई प्याज मिला लेते हैं और बाकी छोड़ देंगे, बाद में मिलाएंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। चाट हमारा आधा तैयार हो गया है। अब हम तब तक दही को फेंट लेते हैं। चम्मच से ऐसे ही मिलाते हुए फेंट लेंगे। तो चलिए अब हम चाट को सर्व करते हैं। यहाँ पर हमने तीन दोने लिए हैं क्योंकि दोने में खाएंगे तो उसका मज़ा अलग ही रहेगा। तो इसमें हम डालना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें दही डालेंगे। अब इसमें हम प्याज और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा जलजीरा पानी डालेंगे। तो ये देखिए एकदम ठेले जैसी चाट हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये लगभग 250 ग्राम मटर में 3 लोगों के लिए बनी है। अगर ये चाट आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।